घोसी लोकसभा क्षेत्र का ये आरीपुर चट्टी है और हम चुनावी माहौल को जानते समझते लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और आज हम यहां पहुंच गए हैं आरीपुर चट्टी पर। तो क्या लगता है सर कि जो मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने राशन 5 किलो बांट रही है, शौचालय, आवास, तमाम तरह की इस तरह की योजनाएं उन्होंने धरातल पर लाया और उनका दावा है कि हर व्यक्ति को हमारी योजनाएँ मिल रही हैं, पहुँच रही हैं, तो क्या लगता है कि पहले ये बताइए कि उनकी योजनाएँ हर व्यक्ति के पास पहुँच रही है कि नहीं? नहीं, हर व्यक्ति के पास तो नहीं पहुंच रहे, कुछ ऐसे भी हैं हाँ, कि छूटे हुए हैं हाँ, जो पात्र हैं ऐसे छूट जाते हैं, पात्र वालों को मिल जाता है हाँ, ऐसी बात तो है हाँ, हाँ। तो क्या लगता है कि जिसे उनका 5 किलो राशन जो वाला मामला है वो बेहतर है कि नहीं है? नहीं, 5 किलो राशन देने से गरीबी या भूखमरी नहीं जाएगी हाँ। आपको देना हो, प्रधानमंत्री को 5 किलो राशन दे दिया जाए, मोदी जी को, तो 5 किलो राशन में खा लेंगे महीने भर। तो क्या लगता है कि ये लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप है। अच्छा हाँ, इससे गरीबी या भूखमरी नहीं जाएगी और गरीबों को कारण गरीब बनाया जा रहा है तो हाँ, हाँ जैसे मिड डे मील योजना है, मिड डे मील योजना है, ये है, ये सब लॉलीपॉप है समझिए सरकार। लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन हमको मोदी जी दे रहे हैं तो इससे बढ़िया वोट हम किसको और क्यों देंगे हम? अरे इसके पहले भी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने वोट दिया, राशन दिया था हाँ, लेकिन यही है, कोई जमीन पर नहीं लाई थी, 5 किलो नहीं, 50 किलो, 20 किलो, 30 किलो एक ही बार दे दिया करें। अच्छा हाँ, इसके पहले कांग्रेस भी दिया था, हम उस समय बच्चे थे, जानते हैं उस बात को। यहाँ पर कांग्रेस के से बढ़िया शासन कोई नहीं चलाया है हाँ। 5 किलो राशन की जगह क्या होना चाहिए सर? 5 किलो के राशन के बजाय रोजगार होना चाहिए, रोजगार चाहिए हर घर घर, एक एक आदमी को कम से कम नौकरी दे, रोजगार दे सरकार। अब 5 किलो राशन से गरीबी नहीं जाएगी। अब तो यहाँ पर फिर लोकसभा चुनाव आ गया है, फिर कुछ देर के बाद से 4 तारीख को मतगणना अरे होने के बाद ये एक तय होगा कि फिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब यहाँ से अरविंद राजभर भाजपा यानी एनडीए से उनको टिकट मिला है, ओम प्रकाश जो मंत्री हैं उनके लड़के को, और बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान को मिल गया है, और साइकिल से राजीव राय है इंडिया गठबंधन से। तो अगर इन तीनों प्रत्याशियों में बात की जाए तो कौन बेहतर लगता है आपको? देखिए बेहतर तो कोई नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें तो कोई नहीं है, पार्टी के नाम पर वोट देना जो है बहुत खतरनाक है, इन समूह को काम लायक कोई नहीं है, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, कोई है हाँ, ये सब वोट लेते हैं, चले जाते हैं, फिर अपना जाकर वही दारुलसफा में लखनऊ में बैठ जाते हैं। दारुलसफा हाँ, जाकर इस बार दिल्ली बैठेंगे हाँ, इसे दिल्ली बैठ जाएंगे हाँ। अब जाकर बैठ जाएंगे, फिर नहीं पूछेंगे नहीं आएंगे कौन मर गया कौन जिंदा है। लेकिन प्रत्याशी के नाम पर कोई ठीक नहीं है? कोई ठीक नहीं है। अब ये तो आपने क्लियर कर दिया, अब तो ये तो होगा ना, ये सब मतगणना अरे मतदान जिस दिन होगा, वोट देने आप जाएंगे तो फिर भी वोट तो देंगे किसी न किसी को, तो क्या लग रहा है इस बार कि किसको मतलब जिताना चाहिए? जिताने की स्थिति में तीनों पार्टियों में कोई है नहीं हाँ, गुड़ा गणित में मान लीजिए इधर उधर से करके बसपा बना ले सरकार, लेकिन वो भी स्थिति में है नहीं, वो बनाने की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कोई स्थिति में नहीं है, कोई नहीं है। नहीं हाँ, मायावती जी की जो सरकार रहती है और इस टाइम देखिए बिल्कुल साइलेंट हो गई है, तो क्या लगता है कि वो मायावती जी क्या करें, अपनी जान बचा रही हैं पहली तो, अरे अपना जान बचा रही हैं, घोटाले में है, जान बचाती हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भागती रहती हैं मायावती, जान बचा रही हाँ, और क्या, कहीं खड़ा होकर बात नहीं करती हैं कहीं हाँ, सिर्फ दलितों को बेवकूफ़ बनाती हैं, वो दलितों को बेवकूफ़ बनाती हैं। कैसे लगता है सर कि दलितों को बेवकूफ़ बना रही हैं? कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं? काम जब काम आएगा जरूर, गाली नहीं, काम जब आएगा ना तो बोलती नहीं है, दलितों के पक्ष में कमी नहीं बोलती। अभी एक दलित कहीं मारा जाएगा तो वही सपा वाले आ जाएंगे, लेकिन बांधी को पता नहीं चलता कहाँ गई। ये बात आप सही कह रहे हैं कि मतलब दलित मारा जाए तो सपा वाले आ जाएंगे, भाजपा वाला आ जाएंगे, लेकिन बहन जी का पता नहीं चलता, बहन जी का पता नहीं चलता कहाँ रहती है। इस बार बहन जी का पत्ता साफ हो गया? इस बार नहीं, पत्ता साफ नहीं होगा, सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगी हाँ, गठबंधन से, लेकिन दलितों, अच्छा गठबंधन से हाँ। अरे तो बड़ी बात आपने कह दिया, गठबंधन के साथ जाएंगे क्या? वो जाइबे करेंगे, अब तक नहीं गए तो अब क्या जाएंगे? जाएंगे, मजबूरी है उनको जाना हाँ। जाइबे करेंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, जाएंगे देखिए, लेकिन जाएंगे जरूर हाँ, जाएंगे। अच्छा डर किसको है उनका? भाजपा से डर है और उनको, और किस चीज का? क्या उन्होंने घोटाला किया? क्या घोटाला किए हैं तब ना डर रही है, भागती है हमेशा, हम खड़ा नहीं होती, भागती रहती है हाँ। मायावती जी घोटाला किए हैं? ना मायावती इतनी साफ से क्यों है ये ना हाँ, बताइए 5 साल 4 बार मुख्यमंत्री रही, कौन सा घोटाला किया बताइए आप? देखिए अब तो साइलेंट हो गई हैं, लोग कहते हैं कि भाजपा के लिए काम करती हैं, अफवाह है, अफवाह। अच्छा भाजपा के लिए काम नहीं कर रही हैं हाँ। वो अपने लिए काम कर रही हैं, भाजपा के लिए क्यों करेंगी हाँ। यहाँ पर भाजपा चोर है, उस चोर के साथ काम करेंगी वो? अच्छा भाजपा चोर है? क्या चोर नहीं बताइए क्या है,
जितने भी बात बता रहे हैं भाजपा वाले, कोई भी बात सही बोले हैं क्या? दो लाख नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, दो करोड़ रुपया देंगे, रोजगार कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं क्या दिया? राशन तो दे रही है ना, 10 राशन, 5-5 किलो राशन पर व्यक्ति को दे रही है, 5 किलो राशन दे करके नौकरी कितना खत्म कर दिए, शिक्षा कितना खत्म हो गया, 5 किलो राशन देख रहे हैं, कितने 10 साल लड़के जो थे उम्र खत्म हो गई, वो लड़के कहाँ जाएंगे? एक साल में मान लीजिए कि 10 ही लाख लड़के हो गए, तो 10 साल में कितने हो गए? बहुत हो गया, उस ये सब नौकरी खत्म हो गई ना, तो 5 किलो राशन पूरा हो जाएगा क्या? इस बार तो कह रहे हैं कि हम 400 पार आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? इस बार 400 पार हो रहे हैं, 400 हार हो रहे हैं। अच्छा, हाँ 400 हार हो रहे हैं। यहाँ से ओम प्रकाश राजभर मंत्री के बेटा अरविंद राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, बोले कि ढंग है उनके, डॉक्टर है भैया वो, सजगी सजगी भर के पिटवा दिया ना, सजगी भर जितना रहना भर सबके पिटवा दिया ना, ललका हम जा पकड़ा के। इस बार क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे बहुजन जीतेगी, बहुजन यहाँ से बहुजन जीतेगी। हाँ, और ओम प्रकाश राजभर के लड़के वो कहाँ तेल ले गई ना, वो अरे मंत्री बने, उनको मंत्री बद का होगा, बोले के ढंग सब भरन के पिटवा दिया ना, ललका का बच्चा पकड़ा देना, जा सब खा के पिजा के पिटाई ना। अच्छा, तू कैसे कौन मंत्री हो? पियर का गमछा पकड़ा के सबके पिटवा दिया ना।